अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम एक उम्मीद की किरण और मैं हूं आतिफ अख्तर। नाज़रीन, अब तक मैंने आपको पंजाब यूनिवर्सिटीज के बहुत से डिपार्टमेंट्स का विजिट करवाया है और आपको एजुकेशन के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है। इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूं कॉल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर, जहां पे कोयले के बारे में तालीम दी जाती है। कोयला हमारी रोजमर्रा जिंदगी में किन किन कामों में इस्तेमाल होता है और हमारी जिंदगी के अलावा इसको इंडस्ट्रीज में और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए किन कामों में इस्तेमाल किया जाता है, ये जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के टीचर से। तो आइए मेरे साथ। आपने ये कॉल टेक्नोलॉजी की स्टडी क्यों चूज की है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, लेकिन कुछ वजह से मेरा केमिस्ट्री में एडमिशन नहीं ले सका। तो सेकंड जो मेरी चॉइस थी, सेंटर फॉर कोर स्टडीज थी। एक तो इसकी रीज़न ये है कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट है, रिलेटेड कोर्स है, और सेकेंडली ये है कि मुझे अपने मुल्क के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है और प्रैक्टिकल वर्क का मुझे बहुत शौक है। तो सेंटर फॉर कोर टेक्नोलॉजी में आके मुझे ऐसा लगा है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क कर सकता हूँ, अपने मुल्क के लिए काम कर सकता हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं सब लोग कि हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस बहुत हैं, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छा सोर्स है कि हम कोल को यूज़ करें। तो उसके लिए हमें इसकी पहले स्टडीज़ करनी होंगी, देन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। और दूसरा है कि मैं वैसे भी इसमें, इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड था और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और दूसरी ये है कि पाकिस्तान में जो कोल है सबसे ज़्यादा है, सब कंट्री से ज़्यादा है। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जो कोल है वो हमारे पास जो है इतना लो लेवल का कोल नहीं है। बिटुमिनस और सब बिटुमिनस यहाँ पे कोल एग्जिस्ट करता है, लिग्नाइट भी। बेसिकली ये एक रिसर्च फील्ड से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरी फील्ड में जाती तो उनमें लेक्चरार से जस्ट वही अपॉर्चुनिटीज थी। इस फील्ड में आके मेरे पास लेक्चरार के अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ और रिसर्च वर्क्स में जाने की। कोल का हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इसलिए मैंने फील्ड चूज़ की, क्योंकि आगे इसका मुझे लगता है कि बड़ा स्कोप है। बाइक बेसिकली जर्मनी साइड वगैरह के यूज़ इंडिया के साइड पे कॉल पर यूज़ हो रहा है, तो मैं इसलिए आया कि पाकिस्तान से हम कॉल निकालेंगे, उसको एनर्जी क्राइसिस पूरे करने के लिए हम आगे आएंगे और इसको पाकिस्तान की हेल्प। ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि पूरी पाकिस्तान में सिर्फ यहीं पर अवेलेबल है, और इसके पीछे इसकी ऑथेंटिसिटी और ये कि यहाँ पे एक बेसिक नीड है इस डिपार्टमेंट का होना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट और इसकी आगे प्रोग्रेस भी। इनफैक्ट मैंने इससे पहले BSc केमिकल इंजीनियरिंग किया है, और उसके बाद मेरा शौक था कि मैं कोई जो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं उनका वाहिद इलाज जो हमारे पास रह गया है तो उसका यही है कि हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए मैंने इस डिपार्टमेंट को चूज़ किया ताकि इससे कोल की गैसिफिकेशन करके मज़ीद हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। यहाँ आने का बेसिक पर्पस जो एडमिशन के टाइम मेरा था वो ये था, जब मैंने इसका नाम पढ़ा सेंटर फॉर कोल टेक्नोलॉजी, तो जब मेरे नॉलेज के मुताबिक ये था कि जिस डिपार्टमेंट में सेंटर का वर्ड आ जाता है वो एक्चुअली रिसर्च का हब होते हैं। तो यहाँ आने का बेसिक पर्पस ये था कि मैं अपने रिसर्च कॉन्सेप्ट्स को जो मेरा रिसर्च माइंड है उसको मैं अपने आइडियाज़ को लेके आगे उसे फ्लोट कर सकूँ, और आगे उसमें रिसर्च में न्यू टेक्नोलॉजीज को एनहेंस भी कर सकूँ और उसमें कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकूँ। कोल पावर जनरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके अंदर कोल इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारी बेसिक नीड है। आज के जो कोल टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो इसके ऊपर रियली फोकस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आगे इंडस्ट्रीज में, और इवन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसी वजह से है कि स्टूडेंट्स को आगे चांसेस नहीं है, और कोल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स बन रही हैं। हमारा बेसिक जो है वो कोल एनालिसिस है, जिसमें डिफरेंट कोल्स के हैं और इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट के लिहाज से कोल का इस्तेमाल है। तो हमें इस चीज़ पर यहाँ बताया जा रहा है स्टार्ट से लेके, जब से मुझे यहाँ पर मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, और यहाँ हमें बताया जा रहा है कि कोल को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेनी है, डिफरेंट उसमें चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्री में उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसको हमने पावर जनरेशन में कैसे इस्तेमाल करना है डिफरेंट। और इसमें बेसिक एक इस्तेमाल में अब तक जो हिंड्रेंस आ रही है, रुकावट आ रही है कोल के इस्तेमाल में, वो ये है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान का कोल है उसके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा है। सल्फर कंटेंट बेसिकली जो इसकी, इसको बनते वक्त जो कुदरतन जो है उसके अंदर जो चीज़ें हैं बाहर से बैरूनी मटेरियल्स हैं वो ऐड हो गए हैं, उसको जब हम बर्न करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, पावर जनरेशन में या किसी भी दूसरे पॉइंट पर,
तो इसमें जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के चांसेस बनते हैं बेसिक, इस वजह से हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे इसकी नई फील्ड है और नई फील्ड का यहाँ पे स्कोप भी बहुत ज्यादा है। और कोल जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका जो है सासे पाए जाते हैं कोल, हम काफी ज्यादा इसके अंदर है, हम इसको यूटिलाइज कर सके ताकि हमारे आगे चल के इस्तेमाल हो, जैसे कि पावर जनरेशन वगैरह के अंदर आगे इसका अच्छा खासा स्कोप है। और हम भी इस फील्ड के अंदर आगे हैं ताकि खुद से भी इधर कर सके। पाकिस्तान में तो ऐसा चीज नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट बना है तो हमें इसका स्कोप आगे भी ज्यादा है और यहाँ पे ये फील्ड भी अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से देख लें, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में देख लें, और इसका एक स्कोप भी बहुत ज्यादा हमारे सामने इस वजह से। मेरा कॉम्बिनेशन था बीएससी में केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, ठीक है। तो बेसिक का जो रिक्वायरमेंट है वो इस डिपार्टमेंट की है कि आपकी केमिस्ट्री असेंशियल है, तो मेरी केमिस्ट्री थी, सो इस वजह से मैंने एक तो ये सोचा कि एक न्यू फील्ड है, ठीक है। और जिस तरह के आजकल एनर्जी क्राइसिस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कोल एक ऐसी चीज़ है जो कि सस्ती भी है और हमारे पास अब वाफर मिकदार में मिल भी गई है। थर कोल के अंदर इसके बहुत बड़े जखायर मिल चुके हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि जब मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो ये मेरे लिए बेहतर होगी, ताकि जो फ्यूचर है वो ब्राइट है इसका कोल टेक्नोलॉजी का। लेकिन फिलहाल चले मान लिया पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन अभी भी दूसरी कंट्रीज हो गई, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका वगैरह हो गया, इंडिया हो गया, वहां पे अभी भी हमारी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो? पाकिस्तान में इस वक्त जो कोल यूज हो रहा है वो हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज में हो रहा है, और इसके अलावा हमारे पास स्टील इंडस्ट्री कोल यूज कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में चंद एक जो हमारे पास कोल बेस्ड पावर प्लांट भी हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा थर कोल प्रोजेक्ट जो कि अंडर प्रोसेस है उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो नियरली फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। वहाँ पे जो कोल बेस्ड पावर स्टेशन जो नए जनरेट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा अब्रॉड कंट्रीज में लाइक चाइना, यूएसए, कोल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। वो लोग अपनी 50% मोर देन 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि सारी जो इंडस्ट्री है एनर्जी पे कंसिस्ट करती हैं, तो एनर्जी हम कोयले से लेते हैं और सबसे ज्यादा है कोयला हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कहते हैं हम इसको यूज कर सकते हैं। फैक्टो सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे कोल वो सीमेंट के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, और दूसरी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे यूज होते हैं, और जो हमारे लाखरा जो कोल प्रोजेक्ट्स हैं उधर हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आने वाले टाइम के अंदर इसका अच्छा खासा स्कोप होगा। समर मुबारक जैसे कि उन्होंने भी एक पावर प्लांट लगा रहे हैं सर उधर कोल के अंदर, तो आगे हमारे अंदर काफी पावर जनरेशन के अंदर होगी, कन्वर्जन होगी, कोक वंस वगैरह होगी, काफी इनका आगे जाके अच्छा खासा स्कोप है, जब हम ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक काला शेखा को जो कोल इंडस्ट्री कोल बहुत पावर स्टेशन उन्होंने बनाया वो, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है इसके अंदर। उसके अगर आउटर कंट्रीज देखा जाए तो जर्मनी के अंदर बहुत काम हुआ है, क्योंकि देखा जाए कोल जर्मनी के अंदर से हुआ था बेसिकली, उसकी नीड्स आई उधर से पूरी जर्मनी है, उसके बाद अमेरिका ESCM स्टैंडर्ड्स वाले उन्होंने बनाया, सारा उससे रिलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर काफी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, काफी कोल जनरेटिंग पावर एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए काफी डेवलपमेंट की जा रही है। इसमें जो मेन आता है वो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में और स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और इसके अलावा जो आजकल जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, थर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इन डिपार्टमेंट्स में जाया जा सकता है। हमारे जो बेसिक हैं वो सॉलिड प्रोसेसिंग है, वो जो प्यास इंस्टीट्यूट है वो करवा रहा है, इसमें सॉलिड फ्यूल की जो आगे उनकी फील्ड है, और इसके अलावा केमिकल के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं वो उधर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी हम इक्वलेंस उनके हैं, सर्टिफिकेट हमें मिलता है एज ए केमिस्ट्री, तो हम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा कोयले के पावर प्लांट्स वगैरह नहीं है, अभी लग रहे हैं पंजाब के अंदर भी 3-4, लेकिन फिलहाल जो हमारी पोजीशन बन रही है पाकिस्तान के अंदर वो है बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन फ्यूचर के अंदर जिस तरह पावर प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं,
वहाँ पे हम इजीली जा सकते हैं, वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। फ्यूल डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं, माइनिंग जो कोल माइनिंग है इसको चूज कर सकते हैं हम, और आगे कोल कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज हैं उसको चूज कर सकते हैं हम, बॉयलर्स में चूज कर सकते हैं जितने इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हैं। हम ये नहीं है कि हम कोल में ही फिट हो सकते हैं जाके, हम जहाँ गैस वाले जिस सिस्टम है वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली कंबस्टन एक पढ़ा है, हम उसकी डायनामिक्स पढ़ी हैं, एरोडायनामिक्स पढ़ी हैं, फ्लो डायनामिक्स पढ़ी हैं, क्या है वो हम सब जाके इंडस्ट्री में जितने भी कंबस्टन प्रोसेस है उनमें यूज कर सकते हैं। कोई सीमेंट इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा, वो कोल पे बेस करती है, हम उसमें जा सकते हैं, हमें सीमेंट भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे, सीमेंट की प्रोसेसिंग पढ़ाई जाती है किस तरह सीमेंट तैयार किया जाता है। इसके बाद हमारा जो कराची स्टील मिल है हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है लोकल स्टील इंडस्ट्रीज हैं हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, मतलब कोई हैवी लेवल की स्टील इंडस्ट्री है। दिस इज कार्बन सल्फर एनालाइजर। ये हमारे पास कार्बन और टोटल सल्फर और टोटल कार्बन को डिटर्मिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड इक्विपमेंट है, ये सारा इसके साथ पीसी अटैच है। इसमें कोल को हमें यूटिलाइज करना होता है, उसमें जो मेजर इशू है हमारे पाकिस्तानी कोल में वो उसका सल्फर कंटेंट है। तो ये हमें ये बताता है कि इसमें कितने परसेंट सल्फर मौजूद है, जो कि फर्दर इसकी यूटिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसमें इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि इसमें एक कंबस्टन बोट यूज की जाती है, इसके साथ एक सिलेंडर है अटैच ऑक्सीजन का, 50 PSI हमने ऑक्सीजन का प्रेशर इसमें रखना होता है, और दो इसमें IR बेस्ड सेल हैं रेडिएशन बेस्ड, जो कि डिटेक्ट करते हैं टोटल कार्बन और टोटल सल्फर को। और इसकी मतलब सल्फर की डिटेक्शन इसीलिए हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसको फर्दर यूटिलाइज कर सकें कि हमने इसको पावर जनरेशन में यूज़ करना है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करना है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में सल्फर की लिमिट लेस देन 1% होती है परमिसेबल लिमिट। इसी तरह हमारे पास एक और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है TGA थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर। हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू एसटीएम स्टैंडर्ड हम उनको चलाते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड मशीन है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें हम कोल का टोटल प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास उसका मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन आ जाती है, जो कि अगेन हमें ये बताता है कि हमने इसको यूटिलाइज करना है, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट किस हद तक मौजूद है। जैसे VM अगर हमने इस्तेमाल करना है, अगर वो 30% तक होगा तो हमने उसको सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करना है, अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो फिर हम इसको ब्लेंडिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसमें एट वन टाइम आप 19 सैंपल्स को रन कर सकते हो। सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड इक्विपमेंट है, मेथड आपने एक ही बार इसमें देना है। इसमें तीन सिलेंडर्स अटैच हैं, एक नाइट्रोजन का, एक एयर का और एक ऑक्सीजन का। वो सारे मेथड में आप एक ही बार दे देते हो, जब मॉइस्चर का स्टेप होगा तो उसमें किसी किस्म का फ्लो नहीं होगा। वोलेटाइल मैटर का स्टेप होगा तो उसमें आप नाइट्रोजन का फ्लो दोगे, और ऐश जिसमें कंबस्टन कराते हैं उसमें आप ऑक्सीजन का फ्लो दोगे। इसी तरह से हमारे पास एक और मशीन मौजूद है जिसको बॉम कैलोरीमीटर कहते हैं, डिजिटल बॉम कैलोरीमीटर। ये कोल की क्लोरोफिक वैल्यू को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी कोल की हीटिंग वैल्यू कितनी है। और इसके लिए एज इट नेम्स इंडिकेट कि ये बॉम कैलोरीमीटर है, इसमें हम एक बॉम असेंबली यूज करते हैं, जिसमें हम 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, और ये हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर है। इसमें हम 450 PSI ऑक्सीजन का प्रेशर रखते हैं। एक बकेट लेते हैं जिसमें इस पिपेट के थ्रू हम 2 लीटर वाटर ऐड करते हैं और इसमें रखते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें अकॉर्डिंग टू एस्टीम स्टैंडर्ड हम इसको रन करते हैं। ये बॉम है, इसको हम इसकी इसमें सैंपल 1 ग्राम रख के इसको टाइट करके और इसमें 450 PSI यहाँ से हम ऑक्सीजन का प्रेशर देते हैं। ये हमारे पास असेंबली है, चार्ज असेंबली, जिससे हम इसमें फिल करते हैं ऑक्सीजन को, और इस बकेट में फिर हम बॉम्ब रख के ये हमारे पास दो फ्यूज वायर्स हैं, इनको इंसर्ट करते हैं, और इसके बाद हम इस इक्विपमेंट से इसको जस्ट एनालाइज का बटन प्रेस करते हैं, और आफ्टर 8 मिनट्स हमें इसकी हीटिंग वैल्यू पता चल जाती है किसी भी कोल सैंपल की। हम इससे हीटिंग वैल्यू या किसी भी और सॉलिड फ्यूल की हम हीटिंग वैल्यू से डिटरमिन कर सकते हैं।
इसी तरह से हमारे पास एक और इक्विपमेंट मौजूद है गैस क्रोमैटोग्राफ, ये किस गैसेस के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आपको मिलती है। लाइक आप अगर आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर है मीथेन और ब्यूटेन का, तो आप उसको इसमें इंसर्ट करके सेपरेट कर सकते हो। इसी तरह से कोल से जितनी भी गैसेस निकल रही हैं उसके वोलेटाइल्स, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन वगैरह आ जाता है, वो आप इसमें थ्रू ए इंजेक्शन सिरिंज आप इसमें इंसर्ट करके वो आप डिटरमिन कर सकते हो। आप उसकी क्वांटिटी को भी एनालाइज कर सकते हो और उसकी क्वालिटी की कितने परसेंटेज तक मौजूद है, कितनी इसमें प्योरिटी मौजूद है, वो आप डिटरमिन कर सकते हो। ये भी एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है। ये इसके साथ हीलियम का सिलेंडर है जो आप फ्लो देते हो इसमें, और ये हाइड्रोजन जनरेटर इसके साथ है। प्लस इसमें कॉलम्स होते हैं जो कि आप चेंज करते हो, एक कैपिलरी कॉलम होता है और पैक्ड कॉलम होता है, दो तरह के इसमें कॉलम्स होते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास इक्विपमेंट है, वो है फ्लू गैस एनालाइजर। जितनी भी गैसेस निकल रही होती हैं कंबस्टन के प्रोसेस में, जिनको हम फ्लू गैसेस कहते हैं, ये उसके एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रोब है जो हम इंसर्ट करते हैं जिस जगह से हमने गैस का एनालिसिस करना हो। लाइक हमारे पास वो TGA जो पहले मैंने आपको बताया, उसमें से अगर गैसेज निकल रही हैं तो उसका एक आउटलेट है। उस आउटलेट में आप रख के इसमें डिफरेंट गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं।